हाय दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से आप एनसी पुट्टी और एनसी पेंट अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कौन कौन के सरफेस पे कर सकते हैं वो सब बताने वाला हूँ, और इसके डिटेल बताने वाला हूँ। इसके एमआरपी क्या है, वो सब एमआरपी क्या है, कौन कौन सी सरफेस पे है, इसका ड्राइंग टाइम क्या है, सूखने में कितना टाइम लेता है, ये सब। तो दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली सारी पेंटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एनसी पुट्टी के बारे में, तब तक ये साइड में रखता हूँ। आप देख सकते हो वैसे ये तारालेख कंपनी के हमारे पास एनसी पुट्टी है। एनसी पुट्टी की ये प्राइस है, आप देख सकते हो वैसे 0.500 ग्राम, यानी कि 500 ग्राम के हमारे पास ये पुट्टी, और इसके एमआरपी है 92 रुपीज़ है। और दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है टाइप, ये कौन कौन से सरफेस पे लगा सकते हो। मेटल है और ऑटो बॉडी पे है या वुड फर्नीचर पे यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, एनसी पुट्टी आप देख सकते हो। इसमें कंपनी ने बताया हुआ है वो टाइम है, ड्राइंग टाइम डस्ट फ्री 5 से 7 मिनट में, यानी कि ये लगाने के बाद 5-7 मिनट के बाद इसके ऊपर जो डस्ट वगैरह चिपकेगी ये इसके ऊपर टिकेगी नहीं, तो डस्ट इसके साथ मतलब चुकेगी नहीं। उसके बाद आप इसे टच कितने में कर सकते हो, तो टच करने के लिए 30 मिनट आप कंपनी बता रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद इसे हार्ड प्रॉपरली अच्छे से झुकने में कम से कम 16 घंटे लिखा हुआ है। 16 घंटे के बाद आप इसे अच्छे से सैंड भी वगैरह कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों इसे अप्लाई करने से पहले हमें ये प्राइमर के तौर पे यूज़ करना पड़ता है। ये एनसी पेंट है, इसके आपको मैं 500 ml का इसके MRP भी आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो इसके MRP 204 रुपीज़, आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से। तो दोस्तों इसी में सेम लिखा हुआ है ऊपर, जो ये NCPT में लिखा हुआ था ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। टाइप ऑटो मेटल वुड फिनिश पेंट वगैरह पे, और लगाने का तरीका भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो दोस्तों ये पुट्टी लगाने से पहले ये अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको पहले अप्लाई कैसे करना है वो प्लाईवुड के छोटा पीस लिए उसके ऊपर दिखा देता हूँ। उसके बाद हम ये सूख जाएगा हमारा पेंट, उसके बाद मैं आपको NCPT कैसे अप्लाई करना है वो दिखाऊंगा। दोस्तों हमें जब भी प्लाईवुड पे पेंट करना होता है तो उसके लिए हमें ये NCPT करना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है पर डेको पेंट या ऐसा कोई महंगा पेंट है जो ऑटोमेटिक पेंट वो सब करना होता है तो NCPT लगानी पड़ती है। उससे पहले ये हमारा जो प्राइमर हमने बताया था NCPT वो लगाना पड़ता है। तो दोस्तों मैं स्प्रे गन से लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो वैसे मैंने जैसे आपको आगे बताया वैसे, और इसे हल्के से रखना है और इसका सूखने का टाइम कम से कम 2 घंटे में आराम से सूख जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप NCPT लगा सकते हैं, तो इसे थोड़ी देर सूखने देखते हैं और फिर NCPT लगाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, सूख चुका है। इसके बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अप्लाई इसलिए करना पड़ता है कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये शायद आपको ये ग्रीन्स वगैरह दिख रही होगी अंदर, इसकी वजह से हमें इसके ऊपर पुट्टी अप्लाई करनी पड़ती है, वरना ये पेंट में अच्छे से दिखता है। तो पुट्टी अप्लाई करने से पहले हमें सैंड करना पड़ता है। सैंड करने के लिए हमें 320 नंबर का सैंड पेपर लिया है, और इसे ज़्यादा नहीं करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बस इतना ही करना है और इसे स्मूथ करना है, जिसकी वजह से हम स्प्रे किया था तब दानी वगैरह कुछ हो तो ये निकल जाए, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आप मैंने आपको ये नया दिखाया था NCPT का, ये मतलब हमारे पास ये यू से स्टार्टिंग जो रनिंग है ये यूज़ करने वाला हूँ, मैं नया खोलने वाला नहीं हूँ। आपको दिखाने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ। तो दोस्तों याद रखना है, आप जब भी करो इसके ऊपर तो इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लो, जिसकी वजह से इसका केमिकल या कुछ हो तो वो नीचे ना आए। और इसे ब्लेड में लेते ही इसे डब्बा बंद कर देना है, क्योंकि एनसी है ये सूख जाता है जल्दी। दोस्तों मैं आपको ये अप्लाई कैसे करना दिखा देता हूँ। जो ग्रीन्स है ग्रीन्स की लाइन में इसे अप्लाई करना है। पहले ऐसे बॉर्डर कर लीजिए और ब्लेड से ऐसे खींच लीजिए, और कुछ नहीं, ब्लेड की मदद से ऐसे पूरे में इसे फैला दीजिए, कहीं पे बाकी ना रहे वो ध्यान रखना है हमें, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं करने के जैसा। सूखने देंगे दोस्तों, जैसे ये हमने आपको बताया था पहले ये सूखने में टाइम कितना लगता है,
घंटे जितना टाइम लगता है इसे अच्छे से सूखने में, प्रॉपरली हार्ड होने में। पर आप इसे 3-4 घंटे रखने के बाद सेंड कर सकते हैं, तो ये अभी सूखेगा, उसके बाद हमें आपको सेंड करके इसके ऊपर दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो सूख चुका है, अब इसे हम सेंड करने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे सिंपल ये सेंड नहीं करना है, इसे हम 220 नंबर और ये हमारा जो लास्ट टाइम यूज़ किया था 320 नंबर, इससे सेंड करने वाला है। और ये वाटर पेपर के साथ हमें ये पानी लिया है, पानी में डिप करके इसे सेंड करना है, जिसकी वजह से इसकी फिनिशिंग अच्छी आए और ये हमारा जो एनसी पुट्टी है वो जल्दी से सेंड हो सके। बिना पानी के करोगे तो अच्छे से सेंड नहीं होता, इसलिए हमें पानी के साथ इसे सेंड करना है। तो हम आपको दिखाते हैं कैसे सेंड करते हैं। अब देख सकते हो मैंने इसे पानी में डिप कर दिया है, ये हमारा पानी वाला पेपर है, और फिर इसे ऐसे सेंड करना है इसके ऊपर पानी रख के। अब डायरेक्ट इसके ऊपर पानी डाल के भी इसे सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार इसे सेंड करने के बाद कपड़ा कोई भी हो उसे अच्छे से इसे पोंछ लीजिए, और हमें देखना है कि कहीं पे फिर सेंड करने की ज़रूरत है या नहीं है। आप शायद देख सकते होगे अभी सेंड किया तो ये कहीं कहीं पे बाकी है, इसे भी हम अच्छे से सेंड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने सेंड कर लिया है, अब कपड़े की मदद से इसे साफ करके हम देख लेंगे कहीं पे बाकी है या नहीं हमारा। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छे से फिनिशिंग आ रही है। इसके बाद भी हमें एक और बार ये हमने जो 320 नंबर का पेपर लिया है उससे सेंड कर लेना है, जिसकी वजह से छोटा बहुत जो ये 220 नंबर के वजह से जो लाइन वगैरह आई है वो हमारी मिट जाए। तो ये सेंड करना है, इसे भी करने के बाद हमें हमारा फिनिशिंग मिल जाएगा। तो अभी मैं साफ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितनी अच्छे से फिनिशिंग आ चुकी है। अब इसके ऊपर हमें एक और कोट प्राइमर का लगाना है, जो एनसी पेंट हमने दिखाया था उसका, और इसके बाद ये कलर के लिए रेडी है।